पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। साथियों, हम अपने पूरे जीवन में अनगिनत लोगों से न जाने कितनी बातें करते रहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक या राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो या फिर सोशल मीडिया हो। पर क्या कभी खुद से बात करने का अवसर दिया है हमने अपने आप को? सेल्फ टॉक, जो एक सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब बात यह आती है कि क्यों करें खुद से बात, और यदि करें भी तो क्या कहें खुद को। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं वो पांच महत्वपूर्ण बातें जो हमें स्वयं से करना जरूरी है। पहली बात, खुद से पूछें कि क्या खुद का ऑडिट किया है कभी। खुद के ऑडिट का मतलब अपने आप को या अपने काम को इवेल्युएट करना है। पूरी कहानी सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि अपने खाली समय में आप क्या करते हैं, क्योंकि यह आपके जीवन के मूल्यों को तय करता है। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं या फिर जब आप नहीं सो रहे होते हैं, उस समय में आप क्या करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खुद का ऑडिट करने के लिए इन बातों का जरूर से ध्यान रखें। अपने सेट गोल का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। पास्ट लाइफ का असेसमेंट करना जरूरी है। आपका गोल क्या था, अचीव क्या किया और गोल को अचीव करने के लिए कितना समय और पैसा लगाया, यह महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न स्वयं से करें। क्या मैं अपनी प्रोग्रेस से खुश हूँ? कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और क्या मुझे नया स्किल सीखना चाहिए? फीडबैक लें, इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। और अब फाइनल एक्शन प्लान बनाएं। यह पूरा ऑडिट प्रोसेस सिर्फ एक बार करके ही छोड़ना नहीं है, इसे रेगुलर इंटरवल में करते रहना जरूरी है। दूसरी बात, अपनी खुशी का होमवर्क करना जरूरी है। बचपन से हम देखते हैं कि जो अपना होमवर्क बहुत सही तरीके से करता है वह कक्षा में हमेशा अव्वल रहता है, और हमें भी तो अपनी जिंदगी की कक्षा में अव्वल रहना है खुशी के विषय में। तो आइए खुशी का होमवर्क किस तरह से करना है यह जानते हैं। सबसे पहले, सप्ताह में हर दिन या कम से कम दो दिन किसी को मैसेज के द्वारा अपना कृतज्ञता ज्ञापित करें। हर रोज सुबह उठकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करें। एक ग्रेटिट्यूड डायरी बनाएं। हर रात को सोने के पूर्व उसमें तीन चीजें लिखें जिसके आप आभारी हैं। स्वीकार करें हर उस परिस्थिति को और चुनौती को जो आपके जीवन में आ रही है। संवाद बनाएं किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति से जिससे आप अपनी भावनाएं और संवेदनाएं शेयर कर सकते हैं। यही खुशी का होमवर्क आपको हर दिन करना खुशी के नए द्वार जीवन में खोल देगा। और तीसरी बात, खुद से कहें कि क्या मैं छोटी छोटी बातों को इग्नोर तो नहीं कर देती हूँ? क्योंकि अक्सर जीवन में बड़े बड़े मूल्य तलाशने में हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करते हैं। साथियों, एक सत्य घटना है। एक बार की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपनी सेना से बिछड़ा हुआ एक सैनिक दुश्मन की सेना से बचता बचाता हुआ एक गुफा में जा बैठा, और उसी गुफा के द्वार पर एक मकड़ी अपना जाला बुनने की तैयारी में ही थी। उस सैनिक को डर था कि यदि दुश्मनों की सेना ने उसे देख लिया तो वह मारा जाएगा। कुछ ही समय में उधर से उनके कदमों की आहट सुनाई देने लगी। एक एक करके सारी गुफाओं को वो तलाश रहे थे कि कहीं वो सैनिक किसी गुफा में छुपा तो नहीं है। जैसे ही उसकी गुफा की तरफ वो दुश्मन के सैनिक आए, वैसे ही वह सैनिक डर गया कि अब तो यह उसका अंतिम समय है, और उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसने देखा कि मकड़ी के जाल को देखकर दुश्मन की सेना वहां से लौट गई। उसका ध्यान गया कि इस मकड़ी के जाल को देखकर शायद दुश्मन की सेना ने यह सोचा कि इस गुफा के तो आसपास बहुत समय से कोई आया ही नहीं होगा, और वो वहां से लौट गए। जब वह सैनिक अपने देश पुनः पहुंचा तो वहां पर हुए एक इंटरव्यू में उसने कहा कि यदि दुश्मनों को इस बात की जानकारी होती कि एक मकड़ी को जाल बुनने में मात्र आधा घंटा लगता है तो शायद मैं यहाँ पर बचकर लौटकर नहीं आ पाता। साथियों, अक्सर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की वजह से हम अपने जीवन के मूल्यों को निर्धारित नहीं कर पाते। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के मूल्यों और सोच के तरीके को निर्धारित करती है, और हमें परफेक्ट भी बनाती है। सही कहें तो सफलता की असली नींव भी यही है। चौथी बात जो हमें खुद से करनी है कि क्या मुझे अपना जुनून पता है।
साथियों, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो हम स्वयं को पहचान पाते हैं और अपने पैशन को भी। जुनून एक अद्वितीय ऊर्जा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं को पहचानना जरूरी है कि मेरी वैल्यूज़ क्या है जीवन की, मेरा खुद का लक्ष्य क्या है, मेरे अपने लाइफ के वैल्यूज़ क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ। साथियों, जो करने में आपका ज़्यादातर समय बीतता है वही आपका जुनून है, या फिर जो करना आपको खुशी देता है, आपको संतुष्टि देता है, वह आपका जुनून है। बहुत लंबे समय से, कई घंटों से यदि आप कोई कार्य करने में व्यस्त होते हैं पर आपको समय का पता नहीं चलता, तो यकीन मानिए यह आपका जुनून है। खुद के जीवन के उद्देश्यों को खोजना और समझना भी आपका जुनून हो सकता है। इसी तारतम्य में यदि मैं एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के जुनून की बात करती हूँ, या फिर मैं बात करती हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन के जुनून की, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। फ्रिदा कहलो, जो एक मशहूर मैक्सिकन चित्रकार रही हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में जीवन की कठिनाइयों को और पैशन को उकेर दिया था। इन सभी की सफलता का एक ही सूत्र है और वह है पैशन प्लस इफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। अपने जुनून का पता लगाने के लिए केवल दो सवाल स्वयं से पूछें कि मैं अपना समय और पैसा कहाँ लगाना चाहता हूँ, और दूसरा, क्या करके मुझे असली खुशी मिलेगी। अधिकांश लोग इस बात को करने में या सोचने में असहज महसूस करने लग जाते हैं क्योंकि कभी जीवन में उन्होंने खुद से ये बात पूछी ही नहीं। और पांचवी बात जो हमें स्वयं से करनी है कि क्या मैंने अपना थॉट असेसमेंट किया है कभी। साथियों, हमारे विचार हमारी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, निर्णय और व्यवहार को सीधा प्रभावित करते हैं। यह एसेस करना जरूरी है कि कहीं हम थॉट पॉइजनिंग के शिकार तो नहीं हो गए हैं। यकीन मानिए कि फूड पॉइजनिंग अगर हो तो पेट खराब हो सकता है, पर यदि थॉट पॉइजनिंग हो जाए तो जीवन ही खराब हो जाता है। ये जो थॉट्स हैं ना, ये बहुत अहम भूमिका हमारी लाइफ में पूरी करते हैं। यह विचारों की ही शक्ति है जिसने बालक नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। यह बिल्कुल सही है कि खूबी और खामी तो हर किसी में होती है, पर यह सिर्फ विचारों का प्रभाव है कि हम खूबियों को तराशते हैं या खामियों को हम तलाशते हैं। ऐसे ही थॉट पॉइजनिंग का शिकार माता केकई हुई थी। दासी मंथरा की नेगेटिव बातों ने उनके दिमाग को भ्रमित कर दिया था और उसका परिणाम हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। यदि मैं आज की युवा पीढ़ी की बात करूं, तो न जाने कितने अराजक तत्व हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को थॉट पॉइजनिंग का शिकार बना रहे हैं। तो साथियों, ये वो पांच बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हर कदम पर हमें सहायक सिद्ध हो सकती हैं। यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो इन पांच बातों को यदि हमने फॉलो कर लिया तो निश्चित ही सफलता हमारे कदमों के तले होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।